पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव हे मुरारी और मिलक बोले हे नाथ नारायण हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव भाग्यशाली कल्याण कामी मेरे जोड़ियों बरभागी गीता के पैरकार मेरे सजनों धार्मिक भाइयों और थोड़ी देर के लिए पूनम को इसी स्थान पे उठाने की चेष्टा करें। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग इन दिनों अत्यंत कल्याणकारी विषय की ओर प्रवेश किए हुए हैं। प्रसंग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही कम आने वाला है। कर्म योग फिलॉसफी और मेरी और आपकी जैसे हमने विचार किया कर्म प्रधान योनि है, अर्थात इंसान कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। एक इंसान में संस्कार है, एक इंसान में विचार है, कुछ इंसान में कमियां है, कुछ इंसान में राग और द्वेष है और विशेषकर उसमें तीन गुण प्रवेश किए हुए हैं। इन्हीं के फलस्वरूप मेरे दीवियों सजनों एक सामान्य जीव विवश है कर्म करने के लिए। वो अगर चाहे भी सही कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तुम उसे ये तीन गुण करवा ही लेंगे। कितना बेराना ऐलान है अपने भगवान का, सारे संसार के लिए कितनी जोरदार चेतावनी है। क्या बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म कराई दू फितरत हुई तुझसे कर्म। पर हम तो कल्याणकामी जीव है, हम रजोगुणी नहीं है। हम कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके ही मेरे दिव्य सजनों इस जहान को छोड़ देना चाहते हैं सदा के लिए। तुम्हारा जी ने ये बड़ा हमारे पर उपकार किया, कर्म भी होता रहे और परलोक भी बनता रहे, कभी ना भूलना बल्कि अपने जीवन में ये एक अंग बना के छोड़ देना। कितना अच्छा तरीका इसे बोलती है एक तीर से दो शिकार खेलना, एक तीर से दो शिकार। ये इस तरीके से कर्म किया जाए कि लोक भी बन जाए और साथ ही साथ परलोक बनता चला जाए, समझ जाना मेरे सजनों, और जरूर अपने जीवन का अंग बना लेना। मैं आपसे बार बार आपकी हित और कल्याण के लिए कहूंगा इसे अपने जीवन का अंग बना लेना। कितना अच्छा कहा, जिस समय जो जरूरी कर्तव्य हमारे सामने आता है भगवान जी के प्रेम में भरकर, चूंकि अब हमारे जीवन का मुख्य अंग भगवान बन चुके हैं, हमें पूर्ण रूप में महत्ता अपने प्रभु को दे रखी है। जैसे देनी चाहिए थी पर अपनी बदकिस्मती से हम न दे पाए, अब महाराज जी ने पूरी कृपा कर दी है और कुछ हमारे पूर्व के संस्कार भी उदय होते चले जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने भगवान को की पूरी मात्रा बढ़ा रहे हैं। और मैं कई बार पहले बता चुका हूं गीता जी का फरमान, जिसकी हम मात्रा बढ़ाते हैं हमारी मन बुद्धि उसी की तरफ भाग जाती है। मन कहां जाता है, गीता के कृष्ण कहती है जहां जिसकी आप मात्रा बढ़ाते हैं, तो मात्रा उसकी बढ़ानी चाहिए हाँ जो शिष्य के रचयिता है और पालन करता है, जो जीव को शाश्वत शांति देने वाले हैं,
और नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा कर हाँ मुक्ति प्रदान करते हैं। मतलब क्यों इसी को देना चाहिए, ये मेरे भगवान जी हर अध्याय में ये किन प्रकार समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब कर्म युग है क्या, हमें केवल कर्म करने का अधिकार दिया है भगवान ने। वे हैव टू वर्क वर्क एंड वर्क। गलती इंसान ये करता जो शेख चिली की तरह मैं खड़े कर लेता, मैं ये कर्म कर रहा हूं ये मिलेगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर ये रहूंगा, फिर मैं ये शेख चिली की तरह खड़े करते के लिए ये मार खा लेते नहीं। जितनी बुद्धि और ताकत भगवान ने मुझे प्रदान की है उसी के आधार पर मेरे सजों में देवियो हम पुरुषार्थ करेंगे, आगे जाने भगवान और उनका काम। ये हमारा तक क्या बन चुका है और भी बन जाएगा, यथामति यथाशक्ति हम पुरुषार्थ करेंगे। आगे महाराज जी मैं अच्छी जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना, ये उनके हाथ में है। अगर अभी भी अभी ये बात कच्ची है तो पक्की कर लो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, आपका प्रलोक बनता है। अगर टिके हुए मन से प्रलोक बनता है, भटके हुए मन से तो लोक भी नहीं बनता, तो लोक की दूर की बात है। हमारा मन में भी टिका रहेगा, वाह हमारे मन में बिगड़ी उतासी हलचल दूधा बिल्कुल नहीं आएगी। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, और जब माइंड स्टिल होता है हमारे अंदर एक ऐसा अपूर्व आनंद आता है जिसका वर्णन कभी हो ही नहीं सकता, जबकि वो अनुभव का विषय है, वो वाणी का विषय था नहीं है नहीं और कभी होगा भी नहीं। वाह, और वाणी इसी तरीके से टिका रह सकता है जब आप फल पे नजर ना मारो। भले ही आपको मेरे प्रभु जी की विचित्र बात लगे लेकिन है ये सिद्धांत, मतलब जितनी बुद्धि मेरे प्रभु जी ने आपको दिया सोच लीजिएगा मन कैसे रखोगे अपने मन को टिका हुआ, आप मन को भटका बैठोगे, इसलिए हो जाएगा मन टिका हुआ। कर्म का कर्म, और अगर मन टिका हुआ है तो धर्म का धर्म। जब हम भटका लेते हैं तो फिर हम न लोक के रहते हैं न परलोक के रहते हैं। अब इसके फौरन बाद मुझे दो तीन दिन होगी इसमें प्रकाश डालते हुए, फौरन बाद भगवान जी ने एक प्रश्न हमारे मन में जो उठ सकता था, मैंने कई बार पहले भी कहा आज फिर कहने को तैयार हूं, भगवान जी ने जो प्रसंग चलाती है उसमें हर मुल्के प्रश्न का उत्तर अग्रह देता है श्लोक, हर संभव प्रश्न का उत्तर। आप क्या घर में श्री गीता ही पढ़ रही हो, हर संभव प्रश्न का उत्तर अग्रह श्लोक दे देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के मंत्र करने की जरूरत नहीं। गीता अपने आप में परफेक्ट महाशास्त्र है, परफेक्ट, क्योंकि गीता का प्रमाण हमारे एवरीडे लाइफ में काम आना है, हमारी बुद्धि में काम आना है, हमारे मन में काम आना है, हमारे कर्मों में काम आना है और हमारे संपर्क में काम आना है। वो क्या कहने, हमारी बुद्धि में काम आना है, हमारे मन में काम आना है, हमारे दैनिक कर्मों में काम आना है। शाबाश, इसी तरह शास्त्र की महिमा सब दुनिया वाले जान चुके हैं, और जो भी अपना कल्याण करते हैं गीता जी को नमस्कार किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े चोटी का ज्ञान है। हमारे जैसे लोग समझ लो, फिर पूरी कोशिश करो कि यह आपके जीवन का अंग बन जाए। अब लीजिए इस तरह जो मैंने सुना कमी और दिकारत है माफ ऋषि को राचन, या कई प्रश्न उठते हैं कि भगवान ने ये जो कर्म योग दिया और भक्ति योग भी साथ दिया, प्रेम भगवान का मिलाकर में कर्म करना है और ये नहीं कंधर कर्म करना है, ज्ञान की योग को मिला के करना है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये जो चाह हम पीते हैं तो शरीर की चुस्ती के लिए है, चाह में भी तीन चीजें होती है ना, तीन और क्या, चाह का कावा थोड़ा सा दूध और चीनी। हाँ कर्म योग में भी तीन होती है, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग, कर्म योग की प्रधानता भक्ति योग की चीनी और ज्ञान योग देखिए जरा गर्मा गर्म कावा, ये तीनों मिला के बोलते हर नर नारी तीनों मिला के जीवन काट सकते हैं। बुद्धि भी साथ मिलेगी, मन के विचार भी साथ मिलेंगे, बुद्धि और मन के दो मिल जाए और कार्य ना हो तो शिव चिली वाली बातें जाती है। अगर हम एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट न करें दीदी हार्डवेयर बहुत अच्छा आपका और देयर गुड थिंकिंग, लेकिन एवरीडे लाइफ में वो बातें ट्रांसलेट नहीं होती तो मैं शिव चिली हो गया हवाई किले खड़े कर लग बिल्कुल, और जिसने कुछ कर दिखाने और कुछ दिनों में कुछ कर लेना है तो जरूर उसे कार्य अलोट करेगा, जरूर उसे व्यवहारिक, ये बात बड़े एकांत में बैठ के विचार करने योग्य है, वो उसे व्यवहारिक रूप देगा। मतलब बुद्धि और मन ने सोच लिया हाँ तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया नॉलेज, थ्योरी समझ जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान को मैं आग लगाऊ यदि मैं उसे अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को उन्नति जोड़े ले जाता। इसलिए सिद्धांत ज्ञान के साथ क्या चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान,
थ्योरी के साथ क्या चाहिए मैं समझ लो, वो मेरी बेटी हो क्या प्रैक्टिकल है। अगर हम साइंस वाले मासी जी से साइंस सीखने के लिए, लेकिन लेबोरेटरी का प्रयोग नहीं करते, लेबोरेटरी मीन प्रयोगशाला, तो साइंस के बिल्कुल अधूरी है। आहा आहा आहा, साइंस का सबसे बड़ा असूल क्या है? आप मुझसे कोई नहीं मिलती, मेरे को भैया साइंस का सबसे बड़ा असूल क्या है? जो समझो नहीं मेरे बेटे, साइंस ऑब्जर्वेशन में मानती है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण। साइंस का ये पहला सूर्य है, जब तक हम देखेंगे नहीं हम परमात्मा की बात भी नहीं मानेंगे। कितनी मूर्ख कह लो जो मर्जी कह लो, साइंस बिलीव इन ऑब्जर्वेशन, साइंस बिलीव इन ऑब्जर्वेशन। वो ग्रंथों पर नहीं विश्वास करती, वो प्रकृति पर भी नहीं विश्वास रखती, जब तक कि उसे ऑब्जर्व न कर लो, जब तक उसे देख ले लो। शाबाश, साइंस बिलीव्स इन ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेश करना चाहती है, ऑब्जर्वेशन लेना चाहती है। साइंस इस बात को मानती है, जब तक मैं देखो अपने नैना कभी ना मानू गुरकें बैना, मैं गुरुदेव पर ही विश्वास ही करूंगा जब तक गुरुदेव के फरमान को मैं खुद अनुभव ना कर लूं। अच्छा, इतना डिक्लेयर करती है साइंस, है ये उसकी मूर्खता। मैंने सिर्फ जानकारी आपके कराई कि साइंस का असूल यही है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानती कि शीशी का बनाने वाला ऑब्जर्व नहीं हो सकता इन आंखों से। शीशी का बनाने वाला ज्ञान चक्षु के बाद दिव्य चक्षु से अनुभव होता। खैर बड़ी दूर की बात हो गई। यहां जब भगवान जी हमें एक सिद्धांत दे दिया, उसके साथ जरूर चाहिए व्यवहारिक ज्ञान। और हवाई के लिए बनाना किसे कहते हैं? बहुत सी योजनाएं बनाई, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाई, लेकिन उसे क्या कार्य रूप नहीं किया, उसे प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया, तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा मेरे बच्चे? ये तो वही वाली बात होगी ना, किसकी? चूहे और बिल्ली की कहानी। चूहे बड़े तंग आ गए थे बिल्ली से, बहुत मार देती थी, और रात को तो चूहे निकलना, दिन भर तो छुपे रहते हैं, रात को तो निकलेंगे खाने पीने के लिए। ठीक है, हमारा दिन है तो ऐसे जो धरती के बीच में रहती है उनकी रात होती है। बिल्ली को भगवान ने पता नहीं क्या किया, चूहे ने भगवान के पास पत्र भेजा, जवाब नहीं आया अभी तक। क्या कि भगवान जी आपने इसको ऐसी आंखें क्यों दी जो रात को चमकती है? मानो उसकी आंखों में जुगनू बैठ जाती है, दूर दूर से बिल्ली की या बिल्ली मानो की आंखें चमकती रहती है। पता लगा तो जवाब चूहे बैठे हुए शिकार है। शाबाश, तो सारी चूहे ने कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, कानपुर में क्या पास हुआ कि कोई ऐसा इलाज किया जाए जिससे कि बिल्ली का आने का पता लग जाए, जैसे फायर ब्रिगेड दूर से ही टन टन बजाता बचाते आता है कि मैं पूरी गति से आ रहा हूं आग बुझाने के लिए, पर हट जाओ, मैंने कोई परवाह नहीं करने का, नीचे आ जाओ तो मर जाओ तो मर जाओ, मैं नहीं रुकना। उसके टन टन जोर जोर के बजाते आते, इससे तो हमें पता लग जाए। चूहे ने कहा कि बिल्ली आ रही है। एक चूहा उठा, मैं एक रह देता हूं, हम जिस मकान में हम रहते हैं इसके ऊपर हमारे शेठ जी का मंदिर, उसमें दो तीन प्रकार की घंटियां पड़ी हुई है, एक छोटी घंटी में लेके आता हूँ, हाँ, और उसकी रस्सी जो है ये मेरे भाई लेके आएंगे, जिसे चूहा फिर मैं ले आऊंगा रस्सी, एक ने कहा फिर मैं गांठ बांध के उसके बिल के अंदर बांध दूंगा, तो जो घंटी लाने वाले उसका फिर क्या करेंगे, फिर हम बिल्ली का गले में बांध देंगे, तो जब बिल्ली आएगी तो दूर चलेगा टाइम टाइम, तो हम सारे भाग जाएंगे। सबने कहा बहुत अच्छे, ये मतलब बहुत ही अच्छा। तो जिससे रह गई थी उसको चूमा दाता कंधे में बिठा के जुलूस निकाला उसका, तो वाह ये शोभा यात्रा चूहे की निकली बड़ी शानदार, बहुत अच्छे। अब इतनी ने जब बड़ी शोर की खाप मची और जयकारे लगे, तो एक दादा चूहा वो बूढ़ा बड़ी मुश्किल से बड़ी सेवा निकला और सामने प्रणाम किया और कहा अरे मेरे बच्चों आए क्या बात है? तो बताया दादा आई ये बात मुझी बहुत अच्छी रह दी, किसने दी थी? ये रामू ने। हम तुमने रहे जवाब बाबा मेरे बिना जवाब दे सकते अपने आगे पंप हाँ सर वो तेरे से ही ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है जो तूने ये रह दी है, तेरी तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, बड़ा मेधावी है तू, और बाबा तेरा आशीर्वाद रहा तो मैं इससे भी ज्यादा मेधावी बनकर अपना नाम कराऊंगा। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, पर एक बात बता ये स्कीम तो बहुत अच्छी है। तो जब बिल्ली ने आने में हाँ तो उसके गले में घंटी को बांध देगा, रस्सी तो बन जाएगी, घंटी भी हाथ में ले लोगे, तो जब समय आऊंगी तो फिर क्या करोगे? मामा दादा हम सारे बिल्ली पहुंचाएंगे, तो घंटी घंटी वही पड़ी रहेगी,
तो स्कीम तो बड़ी शानदार रही, पर अधूरी रही ना। कांग्रेस में शुरू होगी समाज में हु विल बिल द कैट, हु विल बिल द कैट। अधूरी बात कौन मांगे, घंटी बिजली में मरो कभी तो किसी ने घंटी पकड़े बिजली तो बांध ले। इस तरह स्कीमें तो बुद्धि और मन बना ले, लेकिन उसे प्रैक्टिकल रूप न दे। आज का इंसान ऐसा विचित्र इंसान साबित हुआ है, सोचने को बहुत सी बातें सोच लेता है लेकिन उसको व्यवहारिक रूप नहीं देता। जरा मेरी ओर देख लो सबके साथ, जरा प्यास देखो तकरार से, जरा जल्दी से जरा प्यास से देखिए। हाँ, आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के सीने बनाता हो, ब्लैक शीट तो कोई नहीं। योजनाएं तो बहुत बनती हो लेकिन व्यवहार में ना लाते हो, है तो विचार कीजिएगा। ऐसा जीव जीवन से तंग आ जाएगा क्योंकि उसकी कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हुई जब तक प्रति का रूप ही देंगे। अब लीजिए, भगवान जी ने बताया कि कभी ये अधिकार है माफ हो, अब इसको प्रति का रूप ऐसे दे लीजिए। अब भगवान जी आगे इसका व्यवहारिक रूप देना चाह रही है। बहुत कमाल का, ये बहुत ये दुनिया भर में ये लोग फसे गए, वेरी वेरी पॉपुलर फरमान श्लोक है गीता जी का। चूंकि इसमें तीन कर्म योग या भक्ति योग या ज्ञान योग, तीनों योग आ जाते हैं। एक योग की प्रधानता रहती है जैसे बता चुका हूं आपको, और बाकी योग उसके साथ रहते हैं। प्रधानता एक योग की, यदि ज्ञान योग है तो प्रधानता भक्ति की रहे, ज्ञान कर्म की रहेगी। कर्म योग है तो दोनों उसे ही साथ रहेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि योग क्या है। भगवान जी ने गीता में तीन योग बताया, योग पर बड़ा जोर दिया है। गीता योग के नाते से बहुत पॉपुलर हो चुकी है, आप ना जाने मैं बता दूंगा आपको, बहुत ही पॉपुलर अपने देश में। तो खैर आपने धार्मिक व्यक्तियों में बहुत ही पॉपुलर है, बड़े आदर मान सरकार के साथ गीता को मां का दर्जा देती है। गीता माता, मां का दर्जा ले जाती है गीता। शाबाश, जो कि मां जब तंग आ जाती दूध पिलाना तो फिर गैया माता सामने आती, मैं पिलाऊ रोका जा तू निकलाऊंग, चूंकि तेरे अब दांत निकला है मां निकलाएगी। अब ना दांत से पहले तो मां पिला सकती है लेकिन अब नहीं पिलाएगी, उसको मैं पिलाया करूंगी। अच्छा, तो फिर गैया तो कितनी महीने पिलाएगी, उसका दूध सूख जाता है, फिर बछड़े पी लेना, तो गैया देना बंद कर दिया तो बच्चा फिर होता है। क्या नहीं किया, मैं तो मालिक बन गया, क्या करूं। उस समय गीता रो नहीं, तुझे सात गैसा पिलाया, गैया ने तुझे सात महीने पिलाया, मैं सारी जिंदगी तक तुझे ग्यारह कबूल पिलाऊंगी। अब लाइफ रो नहीं, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, ना गमगी हो मैं सुनू नहीं न करो। ये तीन माता तो अपने देश में प्रसिद्ध है, जन्मदात्री आहा दुग्ध माता और ये ज्ञान माता। ये जो जीव आपको ज्ञान देती है, शाबाश। वैसे हमारे भारत में ये पांच गांव बड़े प्रसिद्ध है, पांच गांव। हाँ, गायत्री, अच्छा गंगा, अच्छा गोविंद, अच्छा और आपके गीता, पांचवा क्या बोलू गाय। ये पांच गांव बड़े प्रसिद्ध है। बाबा फिर बोलिए, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री के बाद गंगा गा गोविंद गा गीता और गा गाय। अपने देश में ये बहुत प्रसिद्ध है, हमारे लिए एक ही गा दो गा का हुए गोविंद और गोविंद का फरमान गीता। बाकी को ये चार गाय लेना, बाकी दो हमने तीन को और लेना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, वो हमारे हवाले कर दो, तीन जो भी मर्जी ले ले, चाहे आपकी तरफ से वर्ग नारी वर्ग ले ले चाहे नर वर्ग ले ले, दो हमें दीजिएगा। बस जीव अपना पूरा प्रेम कल्याण कर जाता है क्या, गोविंद और गीता से। गोविंद का ज्ञान गीता, कल्याण का ज्ञान गीता। तो आइए ना, हमें व्यवहारिक रूप देने पर कैसे, जबकि भगवान ने कहा तुझे काम करना है उम्र देकर जी नहीं सरकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। नाउ हाउ वी शुड पुट इन टू प्रैक्टिस, जरा लीजिए मेरे प्रभु का फरमान। अब यहां पर कितनी अच्छी परिभाषा या यूनिवर्सल डेफिनेशन भगवान ने दी, क्या ये भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये कर्म योग है जिसके द्वारा जीव अपना परलोक का लोक बना लेता, ये दर्शन है क्या। तुम्हारा जी ने एक कर्म योग खुल दिया, भगवान का फरमान होता है यूनिवर्सल नहीं बोल रहा हूं, आपको भाषा में कहूंगा सार्वभौमिक, उन वाले बोलेंगे आलमगीर, ऐसा सिद्धांत देंगे कि जहां भी मनुष्य वर्ग रहता होगा, पीछे जहां भी मनुष्य वर्ग रहता होगा हाँ उसके लिए सुटेबल होगी। ऐसी डेफिनेशन ये नहीं कि भारत के अंदर जहां भी मनुष्य वर्ग,
जहां भी मनुष्य सोचेगा और कोई भी योग आएगा परिभाषा वही रहेगी। ये नहीं कि हमारा कलयुग में ये परिभाषा सत्युग में बदल जाएगी, तो वो परिभाषा भी क्या होगी? परिभाषा तो यूनिवर्सल होती है, हर युग में, हर समय में, हर पुरुष के लिए, हर युग में अच्छा, हर स्थान में, हर पुरुष के लिए। उसको एक संख्या बोलते हैं जो हर युग में और हर स्थान में और हर पुरुष के लिए लागू से क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, एक संगत में सार्वभौमिक, जो हर युग में काम आए, हर स्थान में काम आए, हर पुरुष के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। उसके लिए एक शब्द है आपका सार्वभौमिक परिभाषा। अब ये जरा लीजिएगा, कर्म युग को प्रैक्टिकल रूप कैसे दे, व्यवहारिक रूप कैसे दे, फिर वो बन जाएगी थ्योरेटिकल। वो साइंस किसी काम के लिए, मैं कह रहा था जब लेबोरेटरी में जाकर के हम उसे ऑब्जर्व न करें। अच्छा, इधर तो प्रोफेसर ने थ्योरी बता दी कि इस प्रकार आप ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो हम अब महाराई से हम याद हो गए ऐसे, लेकिन गलत। ऑक्सीजन बना सकते हैं उधर दूसरे मास्टर होते हैं लेबोरेटरी में प्रोफेसर, अब हमें जाने पड़ेगा प्रयोगशाला में, और जो जो चीजें छोटा चीज मांगेंगे जो है यूनिवर्सिटी से, हमें ये चीजें दो, सो सप्लाई कर रही थी बेची होती है या चार स्टूडेंट या दो स्टूडेंट खड़े होते, सब सप्लाई की था, हमने अब जैसा पढ़ा था वैसे जो होती है। बड़ा मजा आया जबकि पहली बार ऑक्सीजन बनाई, ये कर ये कर, ये बनाइए 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 बनाइए, सारा कुछ बना लिया, फिर हम बनाते हैं अपने यूनिवर्सिटी को, आइएगा सर चेक कर लीजिए, सर मैंने ठीक जोड़ दिया, हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब मैं छोड़ जाते आखिर छोड़ दू, तो अब क्या ऑक्सीजन निकला है? तो जब मैं लगाती हूँ भड़कता बन रहा हूँ, मेरी ऑक्सीजन बन गई, तो फिर मदद कैसे की जो पास नहीं बनी अभी तक, क्या मैंने कौन सा पार्टी बनाया? अकेले जो बन गया आग लग गई, आग लगा आगे ऑक्सीजन से, लेकिन मेरी कहा गई? शाबाश, तो सैसी को मानती है कि वो आप ऑब्जर्व करें, लिखेंगे आपकी बोलती है ये लवाटी चाहिए। इस तरह भगवान का हर परिवार आपकी कसम, अंतःकरण की लवाटी में अनुभव किया जाना, अंतःकरण की लवाटी में क्या है? प्रयोगशाला, हमारा अंतःकरण है लवाटी या प्रयोगशाला, इसमें आप जैसे नेक जीव जरूर ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व को हम बोलते हैं अनुभव, वो तो निरीक्षण कहा जाएगा, अब अनुभव के बाद ये निरीक्षण होता है, पर नहीं हम निरीक्षण ही करते, हम अनुभव बोलते थे, क्योंकि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसको अनुभव किया जाता है। शाबाश, वो भले ही ऑब्जर्वेशन कहते थे, तो आइएगा कैसी यूनिवर्सल की भाषा क्या बताई भगवान ने, ये आप कई प्रकार जानते हैं। तुम कर्म योग उच्चते, बड़ी चोटी की डेफिनेशन, जो धार्मिक व्यक्ति कई प्रकार परिचित है और इसे अनुभव में लाए हुए, समत्वन योगा परिचय, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाजन कहे नाम। भगवान ने योग क्यों लिए? मन के तवाजन को बनाए रखने के लिए। सुनो मेरे नेति वो मेरी नेक बेटियों, मन के संतुलन को, मन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। मन तो बात बात में अपने बैलेंस खो जाते हैं, मेरी माता मेरी बेटियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों में, खासकर यंगस्टर्स, मन को बात बात में तवाजन खोता है। कुंज भैया मेरा बेटा, मेरी बेटी बताएगी मन का तवाजन कब खराब होता है, जब कोई भी घटना कोई भी बात अपने अनुकूल ना हो। ये राइट आंसर जो आप दे रहे हैं बिल्कुल ठीक, जो बात अपने अनुकूल ना हो, और हर एक का ट्रेंड ऑफ माइंड, ट्रेंड ऑफ नेचर, ट्रेंड ऑफ थॉट अलग अलग, हाँ हर एक अलग अलग है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह मन का स्तर हर एक का एक जैसा। परमात्मा ने बड़ी वैरायटी बनाई इस बात में कि मन का स्तर एक जैसा नहीं होता, माँ बेटी एक जैसा नहीं जो कि एक मानी जाती है, पति पत्नी एक जैसा जो कि एक, क्या दो शरीर एक जान मानी जाती है, दो शरीर एक प्राण, दो बच्चे जो कहते हैं वेरी फास्ट फ्रेंड, गलत। फास्ट फ्रेंड तब होता है जब एक स्तर पर खड़े हो जाओ। मैं बताता हूँ आप सबको मेरे बच्चे, एक स्तर पर खड़ी होता, आप कई बार कहती है बाबा इसको आशीर्वाद दो, क्यों बेटे ये भी फास्ट फ्रेंड है, और अगर मेरी ऐसा परिवेशन करे तो फास्ट फ्रेंड होता क्या है तो आप बता नहीं सकेंगे। फास्ट फ्रेंड होता है कर्मों के आधार पर, विचारों के आधार पर, इरादे के आधार पर, जब आप दोनों इकट्ठे खड़े हो एट द सेम प्लेटफॉर्म, एट द सेम प्लेटफॉर्म,
सुपर फिजिकल मेंटल एंड आपका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तीन महीने तक खड़े हो जाओ, पर नहीं ऐसा संभव ही नहीं है। भले आप फास्ट कहते रहते हो, एक दूसरे कुछ करते ना करो, जरूर मैं ये नहीं कहूंगा फास्ट ना करो, पर है ये गलत अलाम शब्द, हो नहीं सकता ऐसा। तो आइए इधर देखिए, मन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि एक स्तर तो नहीं रहता, जो एक स्तर तो ना रहे उसे चंचल कहती है। चंचल का अर्थ होता है चल सो चल, मजारे ये एक खड़ा जाए, चल सो चल दुनिया में कौन मशहूर है, चल सो चल दुनिया में कौन मशहूर है, देवी नर जी शबाज वाह वाह वाह, हमारे भारत में चल सो चल देवी सी नर जी है, इतनी देर खड़े रह सकते हैं जितनी देर में भैया बोली जा सकती है, बस उतनी देर एक जगह रहती है। तो चल सो चल हमारे देवी सी नारद है, क्योंकि उन्होंने अनेकों को भक्ति का उपदेश दे रखा है। अब इधर मन का चल सो चल है, मन छोटा भाई है नारद का, पर नारद जी के गुड सेंस भी है, मन बैड सेंस भी है। अच्छा, नारद जी सकारात्मक है और मन हमारा नकारात्मक है, माइंड इज नेगेटिव साइड और नारद जी पॉजिटिव साइड। अब मारा क्या कह रही हूँ, समझ तो योग गुड सेंस में एक पॉजिटिव साइड में कह रही हूँ, सजनो मेरी दीदियों क्योंकि मना रहे दुनिया वाले नहीं बता सके जो आपको व्यास जी ने बताया, और व्यास जी ने चुटकी मार के आपको बता दिया। सो क्या है, क्या मन का तवाजन बना रहे, सो क्या है टिके हुए मन का नाम सुख है। तो सुनो मेरे कल्याणकामी सजनों, कल्याणकामी देवियों, काश ऐसी गीता की शिक्षा कॉलेजों में दी जाए, स्कूलों में दी जाए। वो जो विद्या दी जा रही है वो केवल कमाने के लिए, जीविका उपार्जन करने के लिए, और ये जो ब्रह्म विद्या में मिली है ये जीवन के स्तर को ऊंचा बनाकर प्रसन्नता के लिए, पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करने के लिए। ये दोनों विद्याएं पैरेलल या जैसे रेलवे लाइन समान अंतर पे जा रही है, ये दोनों समान अंतर पे चले जी आहा, अपने आप को पूरी शांत पाएगा। आज केवल कमाने की विद्या दी जाती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन शांति आराम और चैन नहीं मिल सकता जब तक हमें ब्रह्म विद्या नहीं। और यही पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में इतना जरूरी है। सुख क्या है, सुख किसे कहती है, क्या इतने में मन का नाम सुख है। सुनो मेरी दीदियों, सुनो सुनो मेरे सजनों, सुनो इतने में मन का नाम क्या है, इतने में मन का नाम बचे वो है क्या सुख, और फटके हुए मन का नाम क्या है दुख। ये केवल आपको महर्षि व्यास जी ने बताया, टिके हुए मन का नाम सुख होने चले देंगे, मन टिका रहे बिल्कुल, आप इनकार ही नहीं कर सकते ये बिल्कुल सत्य है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, बिल्कुल नेस्टान ट्रुथ, तो यही नेस्टान एक्सपीरियंस कि मन टिका रहे हम उसको सुख कहेंगे, और मन की आप भटक के किसी को दुख कहते हैं। ध्यान से सुनो मेरे को, देखकर जितने भी अंदर आपकी बात है बिल्कुल जरूर देख लिया करो, ताकि मैं आपके अंदर कण के अंदर दिखा रहा हूं, आंखों द्वारा आपके अंदर चला जाऊ। कई बातें कानों द्वारा जाती है और जो विशेष बात होती है वो आंखों द्वारा जाती है। अत्यधिक प्रेम आंखों से होता है और सामान्य प्रेम कानों से सुनी बातों से होता है। जरा ध्यान दीजिए, टिके हुए मन का नाम सुख है, बिल्कुल ठीक है। भटके हुए मन का नाम बुझा भटके, तो मैं बहुत दुखी हूँ, किसी कारण से आज आपका मन भटका हुआ होगा। हाँ मैं ये बोलता नहीं बैठे होंगे, आई बेन ए बेन आई मैं जारी दुखी हूँ, क्यों दुखी थी गई ये बेन, मैं काज बात है तो कोई नहीं, मैं कायम होगा बेन जो आज आई डायरी दुखी थी गई है, डायरी दुखी थी गई है था 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 बजा था 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 डायरी दुखी थी गई है, तो डायरी दुखी क्यों थी गई है, कोई कारण होना चाहिए, देर मस्त भी बिल्कुल, फिर मैं वही खड़ा हूं। किसी का मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम, अब हमारे जैसे सवाल के बिना रह सकते, मन हमेशा कैसे टिका रहे प्राणनाथ ऐ मेरे जगत गुरु, फिर तो ठीक ही बात है। अगर मन के टिकाव का इतनी बात से ही मेरा जीवन बन जाता, यही आपको मेरे भगवान की कसम ये बात हमेशा के लिए बिठा लो, तब मेरे इस स्थान पर रहना और आपका इस स्थान पर आके भगवान जी की वाणी सुनना बिल्कुल सफल। सिर्फ इतनी सी बात ही ले लो जो मैं आज ये बताने जा रहा हूं, और यही भगवान ने आपका है, जरा भी जो ये धर्म खर्चों का तरस में ये बात बिठा लो, बाकी सारी बातें मेरे लिए छोड़ो, मैं प्रचारक हूं, मुझे एक एक बात की गहराई में आपको खुद भी उतरना है और आपको उतारना, लेकिन आपको इतनी सी बात परिभाषा ले और इस पर पक्का कर ले।
तो मैं आपको गीता की छाती पे धर के कहूंगा भगवान के अंदर कब जाओगे। बिल्कुल मैंने खड़का के आजमाया है, आप ही आजमा लेना। इस बात को तो मैंने खूब आजमाया अच्छी तरह, आप ही आजमा लेना बेटी। कितनी रोचक का ये पौधे, थोड़ी सी ये बात बिठा लेना अपने मन में। सब मेरी दुनिया और मेरी माताएं मेरे बच्चे में खासकर जितने युवा प्राप्त है बैठे हैं, मेरे ध्यान के साथ सारी युवकों में कहूंगा ये बड़ा अच्छा गीता का गिफ्ट है, बहुत ही डिवाइन गिफ्ट है। इसे मैं करूँ क्या गिफ्ट दूंगा आपको, जमाने तो गिफ्ट कह रहे खूब गिफ्ट दिए जा रहे हैं समय समय अनुसार, और ये हमारा लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है। वो गिफ्ट टूट जाएंगे तो बहन ले जाएगी या भाभी कहेगी मुझे ये गिफ्ट पसंद है देगी, क्यों नहीं भाभी तू मेरी जान करा ले तू ही ले लो, जिसको पसंद है आपको देना पड़ेगा। अगर भाभी को मिला लेने में कह दिया भर जाएगी मुझे पता तो ले लेकिन ले लो ना सब में आज के बाद ये सारी नहीं करूंगी मुझे पसंद तू पहन ले। तो आज के जमाने गिफ्ट कर लेकिन गिफ्ट नहीं रहते, और ये गिफ्ट ऐसा है जो आपके जीवन भर काम आएगा, और जब तक आपको भगवान की साथ में तली नहीं कर देगा ये गिफ्ट क्या रहेगा सदा बहार। इस गिफ्ट में कभी भी बासी बना नहीं आता, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। आइए जान लीजिए अब ये कहा जब व्यास ने बताया कि सुख क्या है मन के ठिकाने का नाम बिल्कुल ठीक, और दुख क्या है मन की भटकने का नाम शाबाश। अब दुख को जरा पेंडिंग कर दो, हम सुख को समझ रखे। जब ये बात सार्वभौमिक है जिसे यूनिवर्सल डेफिनेशन जी, तो फिर सदा सुख कैसे बना रहे, दो दिन का नहीं, सप्ताह का नहीं, महीने का नहीं, छमाही का नहीं, एक वर्ष भर का नहीं, समय करिए। चाहे हमारा शरीर कहीं भी जाए, चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे नारी रूप हो नर रूप हो कुआरी हो विवाहिता हो, हम किसी भी रूप में रहे पर अंदर का तवाजन बना रहे, अंदर का संतुलन हम खो न रहते। परिस्थितियां बदले सो बदले, परिस्थितियां बदले सो बदले, लेकिन हमारा अंतःकरण न बदले, मेरे मन का तवाजन बना रहे। ये आपको देती है गीता, ये आपको देता है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, गीता धर्म। कितना छोटी का तोहफा है, हमने घाट घाट का पानी पीना है, परम अनुसार पता नहीं कहां का जाना है, भले हमें जाना पड़े लेकिन हमारे मन का तवाजन बना रहे। तो हम हमारा चेहरा क्या होगा, हमारे चेहरे की मुखाकृति हम क्या होंगे, प्रसन्न बदल, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। किसी में स्माइलिंग फेस देना करोड़ों रुपया देने के समान है आजकल के जमाने में, स्माइलिंग फेस देना आजकल के जमाने में। ये क्या करो बेटे, गंदी गंदी बातें सीखते जा रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। स्माइलिंग फेस दो, गीता पुकार पुकार के कहती है भगवान जी आपका बड़े खुश होंगे, ये किस लायक ने आपको सिखाया है फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस देंगे इससे क्या मतलब, व्हाट यू मीन बाय दिस, तो फ्लाइंग किस इसका मतलब क्या हुआ, ना आपका मन खुश हुआ ना मेरा, मुझे फ्लाइंग किस दे दो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा क्या, फिटे बाटे मेरा तुझे सारे ऐतवार वाले दिन काका इसे क्या मिलेगा फ्लाइंग किस देकर, कभी सोचा भी सही आपने, फ्लाइंग छोटे बच्चों को समझाई जा रही है फ्लाइंग किस ये क्या हुआ। और मैं आपको दू फ्लाइंग क्या स्माइलिंग, फ्लाइंग स्माइलिंग ये लो मेरे से, जिसे अपना भला परिवार का भला और जिसके साथ कंटेक्ट करोगे वो भी आपको मुस्कुराकर हुआ देखकर उसकी भी खुशी निकलेगी। हम संसार को दे क्या, सुनो संसार को क्या दे, और रवि और शशि की बच्ची क्या दिया करे, स्माइलिंग फेस, प्रसन्न प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा। समय की मांग भी यही है और भगवान का फरमान भी यही है, तो फिर ये तो कर नहीं सकती है ना, जब क्या हमारे हम अपने मन को कायम रखे, क्यों बाबा हम स्वाइलिंग चेहरा हरे को भी नहीं दे सकते, क्योंकि चेहरा मन का दर्पण है। हर बनुआ हर भाई अब क्या करोगे, चेहरा मन का दर्पण है, जैसे हमारे मन में होगा चेहरे पर वैसे ही प्रतिबिंबन, वैसे ही उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर आएगा। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, ये इंडेक्स है किसका, माइंड का, जैसे कॉपी में इंडेक्स में आते पहले किस सफे पर मैंने क्या क्या लिख रखा, कहानी कहा है ऐसे कहा है, और जो बाकी मैं लिखू किसके सफे उसे होते इंडेक्स, विशेष चीज। अब चेहरा क्या है, चेहरा हमारा मन का इंडेक्स है, चेहरा बता देता है कि आपके अंदर क्या बीत रहा है, जैसे इंडेक्स बताता है कि इस कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ, शाबाश शाबाश, इसे चेहरा बताता है कि आप पर क्या हो रहा है आपके अंदर क्या। पर हम हर एक को मुस्कुराता हुआ चेहरा दे सके भगवान बताते, ये बड़ा सा तोहफा है। सुनिए जरा, जब ये बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी, निर्विवाद
ये अनकंट्रोवर्सियल पॉइंट है, कंट्रोवर्सी नहीं रहा, अनकंट्रोवर्सियल पॉइंट, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही कि मन के टिकाव का लाभ सुख। अब हर समय हमारा मन टिका रहा, अब भगवान बताते हैं सर्वतम योग उच्चते, इसी का नाम योग है, इसी को योग कहते हैं। और अपने तमाशन को बनाए रखने को बच्चों को खेल नहीं है, ये लोहे के चने चबाने समान है। क्यों? यदि संसार में द्वंद ना होता तब तो हम बड़ी जल्दी से अपना शत्रु थे, पर ये लोक जिसमें हम आए हुए हैं ये है द्वंदात्मिक लोक, मृत्यु लोक इसका नाम है, और ये है द्वंदात्मिक, इसमें जोड़े जोड़े हुए, जोड़े जोड़े, इन जोड़ों में अपने तमाशु बनाए रखना। अरे बार 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 असंभव नहीं, बिल्कुल है संभव, लेकिन है बड़ा कठिन, क्योंकि संसार द्वंदात्मिक है। द्वंद का मत भगवान ने एक नहीं तत्व बनाया, दो दो तत्व बनाए, दिन बना रात भी साथ जोड़ा। आप जाते तो कभी कभी जो है वो जन्म देती है ना, और राम ने सारे जोड़े ही बनाए, सब के सब इधर भी नजर मारोगे। हम कहने का दिन, हाँ तो दिन दिन नहीं है, रात भी साथ है। अच्छा आप भगवान ने सेहत बनाई आपके, नहीं 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 नहीं, नहीं। और पगली सेहत नहीं है, बल्कि क्या बीमारी भी साथ बनाई है, सेहत नहीं बीमारी भी साथ जोड़ा गया, सेहत और बीमारी का। अच्छा भगवान ने जो है सर्दी, अरे कहा ये सर्दी काल की बात थी, लोग गर्मी भी आ गई, सर्दी और गर्मी का जोड़ा कोई जिंदर में आप देखो मान नहीं नहीं मिलते, सर्दी नहीं मान अपमान का जोड़ा, लाभ नहीं नहीं लाभ और हानि का जोड़ा, जहां लाभ होगा हानि जरूर होगी। अच्छा ये हमारा संयोग हम मिले आकर, वो नहीं नहीं मिल यार, जहां संयोग होगा वहां योग। वाह कौन रखे इंज नहीं था इंज कल संयोग और योग भी होगा जरूर जरूर, पूर्णिमा बहुत अच्छी लगती है रात, पर नहीं अमावस्या भी है, तो कई विचारवान वैराग्य बन गए कि मैं कौन टेक दिया दाता तेरी दुनिया को, एक को दिल देंगे दूसरी ना चाहने पर भी आ जाएगा, अगर आप सेहत को दिल दीजिए हाँ, लेकिन बीमारी भी आने वाली है, किसको दिल दोगे किसको, औरत को अपनी औरत को दे दूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन औरत के बच्चे भी आने वाले हैं, तो फिर क्या औरत में हवा 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 में उड़ जाएगी, उड़ नहीं जाएगी, मन उसका हो जाएगा। हम उठे बाबा फिर कहे मैं जाके आधी रात की औरत को पूछना, तुझसे झूठी बनी, मैं बताता हूँ, जब औरत ने बच्चे में जन्म दिया जननी बन गई हाँ, तो उसका मन अगर न दे बच्चे में बच्चा पलता ही नहीं, बच्चे को मन देना पड़ेगा, बच्चे को दूध देना पड़ेगा, बच्चों को लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, तो आपकी कहां पर करे, अगर नहीं करती तो आपका बच्चा फलता नहीं। हाय माँ बाप दलन पुत्र पल्लन, वो डलेगी तो आपका बच्चा पलेगा ना, तो मेरा ध्यान तेरा ध्यान बहुत कम हो जाएगा, तो आपको कहो कि मैं एक जैसे नहीं, उसमें अंतर आएगा, इसे बोलते बच्चे द्वंदात्मक लोक, ये जोड़ों का लोक है, हम कह मुझे मिठास मिठा खटास भी कभी लेनी पड़ेगी आपको, जरूर लेनी पड़ेगी, द्वंद है ये, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल दिए समझ लोगे कि ऐसी ध्वनि आपको दुनिया में होता क्या है, शहर में कोई मोटर खड़ा हो जाए, साधारण रूप में वो किसी को बचा नहीं आते, आमतौर पर मन से पूछ लो क्या किसी को दिन अच्छा लगता है किसी को रात, अरे तुम्हें क्या भावना है, आप नहीं कह सकते मुझे रात भावे दिन, अगर सीरियसली और सिंसियरली आप देखें नहीं किसी को रात अच्छी लगती है किसी को दिन, कईयों का मान अच्छा लगता है, वैराग्यों को अपमान अच्छा लगता है, वो कहते जितना अपमान होगा उतना नाराज बढ़ेगा, जितना नाराज बढ़ेगा उतना मैं भगवान के नजदीक पहुंच जाऊंगा। शाबाश, कोई दोनों चीजें किसी को पसंद नहीं आती, नहीं आती ना, आपका मेरे पेट से लड़की लड़की होती जाए कभी नहीं हो सकता, लड़की लड़की होती जाए कभी नहीं होगा, जुलम कर लो आप अपने पेट के साथ और भगवान के बनाए जीवों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं कौन सी सजा औरत को मिलने वाली है या आदमी को मिलने वाली है, जो पेट में अगर बच्चा आ जाए नारी का तो उसको हम मरवा देते, कत्ल कर देते हैं, हम कत्ले आम कर देते हैं, पता नहीं आप मेरे शहर मेरे होते हुए देखे भगवान से पनिशमेंट क्या आने वाली है, बड़ी गंदी पनिशमेंट आपकी जाति पर आएगी, और जब ना जाति पर जो मजबूर कहती है नारी को कि आप अपना भ्रूण हत्या कर दो, भ्रूण हत्या बेटी की अन्य चिलन हो गलत बात है, यह आदमी वैसे ब्रह्मचारी रह जाए बस मैं अपने अंदर की शक्ति सब भगवान के हवाले कर दूंगा, हाँ इतने खुश होते हैं मेरे मालिक जो अपनी सारी शक्ति भगवान के हवाले करके भक्ति कमाए, वरना ये भगवान की बनाई हुई जीवों को खत्म कर देना खैर पसंद नहीं, मैं तो इशारा करते हुए जा रहा हूं आगे, तो ये तो द्वंदात्मक लोक है, द्वंदात्मक लोक में मन को बनाए रखना, मन का तवाज़ुन बना रहे,
क्या कह रहे मेरे भगवान जी, न जीते की शादी न हारे का शोर, दिल के तवासन का है नाम जो, या जीतेगा हार भी तो होगी होगी, तो हार में भी अपने मन को बिगड़े न देना, क्योंकि मन तो जीत चाहता है, मन जीत चाहता, मन हार नहीं चाहता। शाबाश शाबाश शाबाश। भारत में कौन सा ऐसा दृष्टांत है जो हार चाहता था? अशोक हार चाहता था। अशोक तो जन की जड़ ही काट डाली बेटी कलिंगा के बाद, उसने कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं। तूने पढ़ा हिस्ट्री और हमने कोई पढ़ी, हम घर से निकल के बाहर आए बेटी, उसे तो एक ही युद्ध करके कलिंगा का, और कह डाला क्या कि बस मेरी तोबा, मेरी माँ भी, मेरे प्यो भी तोबा, अगर मैं फिर जंग करके इतने खून खराबा कर जाऊं। उन्होंने ये कहा था मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, खून खराबा करके क्या लोगों की स्थानों को नहीं, लोगों के राज्यों को जीतू, कितने शब्द अशोक के, जीतूंगा मैं जीतूंगा, लोगों के सिंहासनों को नहीं बल्कि लोगों के मन को जीतूंगा। ये था अशोक जी का जयकारा, महाराजा अशोक जीतूंगा जरूर लेकिन मन को जीतूंगा, किस आधार पर? तीर कमान से, गोलों से, तलवारों से नहीं बल्कि प्रेम से। फिर उसने इसका प्रचार भी किया बड़ा, और जिसमें नंबर वन प्रचार करने में कामयाब हुए हमारे महात्मा बुद्ध। खैर तो आइए, जीत कौन है जिसने हर जीत को बराबर कह दिया कि मेरे जीत ही बराबर है, हार भी बराबर है? ऐसा एक ही व्यक्ति नजर आता है सारे भारत में, कौन था वो? नहीं याद? आजकल आपको टीवी भी तो दिखा रही है क्या? अरे भाई मीरा का, मीरा का, मीरा का कौन था वो? मीरा का दादा। देखिए बच्चे, उसमें खुद चला गया है अपने दुश्मन के पास, खुद चला गया, नहीं मैं जंग करूंगा, खून खराबा नहीं करूंगा, जब पहली बार हुए था तो मेरे जो है बाजार में थे, तुम्हारे रोती हुई गुजरी थी, हाय हाय करती गुजरी थी, आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। जो बात क्या उनका बातचीत से हो सकती है वो खून खराबे से नहीं। तो सर चुप करो, क्योंकि ये सत्संग थोड़ा है, ये तो जो है आपकी है एक पॉलिटिक्स है, ये नीति है, राजनीति है, राजनीति है। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये राजनीति है। नीति और राजनीति में क्या फर्क है? नीति और राजनीति में कोई नहीं बेटा, कोई बोले इतनी बड़ी क्लास नहीं थी, पढ़े लिखे हो और इतने तजर्बा खा रहे हो। नीति और राजनीति में, राजनीति होती है पॉलिटिक्स और नीति होती है एथिक टीचिंग। नीति वो होती है जो हमें मैनर सिखाए, उसे हम नीति शिष्टाचार सिखाए। नीति और राजनीति जो पॉलिटिक्स खिलाई, इन दोनों में अंतर क्या है? नीति और राजनीति में क्या अंतर है? आओ मैं आपकी मदद करूं। मैं भेजा भी इसलिए गया हूं कि भारत की अपने हिंदू धर्म आपको सारा बताऊं, लेकिन नीति क्या होती है? जो हमें शिष्टाचार बताए कि हमारे इरादे शुभ हो, हमारे विचार शुभ हो, हमारी क्रियाएं शुभ हो, हमारा बोलना शुभ हो, हमारा देखना शुभ हो, यानी गुड मैनर्स इन एवरी रिस्पेक्ट, गुड मैनर्स इन एवरी रिस्पेक्ट। भारत की शिष्टाचार ये हम सीख जाए, इसे बोलते हो क्या बोलते बेटे? नीति, ये हम सबके लिए बड़ी जरूरी है। उधर राजनीति भी, तो राजनीति क्या सिखाती है? राजनीति, अब मैं आपको बता दू, अब हमारे देश कहता है, हमारे व्यक्ति ने कहा, नीति भी होती है जो मन वचन कर्म से एक बनना सिखाए, कभी ना भूलना और को बता देना, और कभी रिश्ता मिल जाए तो उसको भी शर्मिंदा कर देना। क्या आप उसमें लगे हुए? मैं बताता हूँ नीति और राजनीति क्या होता है। नीति जो मन वचन कर्म से एक होना सिखाए उसे क्या बोलती है? मन बिठाई जरा, मन वचन कर्म से एक होना सिखाए उसे क्या बोलती है? जब से मेरा शुभ इरादा हो, वैसे मेरे शुभ विचार हो, वैसे मेरे शुभ कर्म हो, इसे क्या बोलेंगे? भारतीय नीति, भारतीय नीति। और जो मन वचन कर्म से अर्गम ब्रगम, ब्रगम अर्गम सिखा दे उसे बोलती है राजनीति। अर्गम ब्रगम और ब्रगम अर्गम वो सिखा दे, इरादे मेरे कुछ है, विचार मेरे कुछ है, दिखाता है बहुत कह रहे हैं मारेगा मैं मार दूंगा, तू मार तो सही, तुम्हारी मैंने ये दिखाया कुछ और करना कुछ, कहना कुछ और करना, इसे बोलते राजनीति। लेकिन सारी दुनिया में चल रही है कुछ नीति, कुछ नीति चारों ओर चल रही है, अपने देश में भी कुछ नीति चल रही है। जो भारत का मुंह काला किया है लालच इनको, ये पूर्ण नीति है ना,
इसका बहुत बड़ी बना देती। और जो मैं आपको दे रहा हूँ गीता जी, ये है नीति, जो मन वचन कर्म से स्ट्रेट लाइन मिले, जैसे मुझे ने कहा था थ्री एक्ट इन स्ट्रेट लाइन, हेड हार्ट और हैंड इन्हें सेट कर दिया होगी भारतीय नीति। और जो दुनिया भर में चली है राजनीति, वो मन वचन कर्म से हमें क्या सिखाती है, ये स्ट्रेट लाइन सिखाए जो वो नीति, और जो ट्राइंगल सिखा डाले वो राजनीति। देखिए ये लाइन है किधर की लाइन है, किधर की लाइन, ये हो गया राजनीति। तो आइए हम सीख रहे हैं क्या इससे दंडात्मक लोग के अंदर अपनी क्षमता को बनाए रखें, हाउ इज इट पॉसिबल, वेरी वेरी हार्ड, इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, इम्पॉसिबल तो बात है ही नहीं, है भी मुश्किल, जिसका कभी कुछ होना कभी कुछ होना कभी लेकर अंदर वाला बना है। सब में कह रहे थे कि हमारे भारत में जो पहला व्यक्ति था जिसने हार और जीत को बयान समझा और कहा कि नहीं बातचीत से जो जो चीज बातचीत सबसे खून खराब क्यों किया जाए, लड़ाई झगड़े क्यों किया जाए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हारा लड़ाई नहीं करूंगा। आज तू तो मैं कह रहे मीरा का मीरा के दादाजी, मीरा जी के दादाजी, कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, सोने हराम हो गए कि नहीं मैं कसम खाता हूँ भगवान जी के पार मुठी कर दो लड़ेंगे नहीं। तो थोड़े दिनों के बाद जो हार गया था उसे निकले कर दे, मैं घेरा करूंगा गर्मा गर्म झूठ होगा। तो थोड़ी सी फाइल की टुकड़ी लेकर के उनकी सीमा तक पहुंच गए और फाइलों का जब तक नहीं आता ये घर बड़े छोटे करके लेता बिल्कुल उनके विशस्त्र उनके अंदर उन्होंने कहा महाराज बहुत मानो वो महाराज आए हो हमारे पास तो नौकरी की जो किया था राजा के जहां तक हर महाराज झुंड का कोई अच्छे शस्त्र नहीं और नहीं कहेंगे और वो आपके दरबार में ये उनको हम जो करना चाहती है नहीं जो सीखने वाला नुकसान होता है कुछ विचार से करो किसी भी ध्वजा जाती है कि ये नहीं उसका तो नहीं ये सक्षम नहीं है ये राजनीति है राजनीति इंसान को जीत बनाती है ना कि राजनीति इंसान को शैतान बनाती है। क्या हम शैतान बनना चाहते हो? नहीं नहीं बात मानता आपको इनको कर लो बांध इनको हाय इनको कैदी बना लो इनको बंदी बना लो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बंदी बना लो। जो बातचीत हो सकती है वो झगड़े से नहीं होगी बंदी बना लिए गए उसके सारे रनवासी वहां चल गए। रनवासी क्या होता बिल्कुल हाँ जा रानिया रहती कोई और नहीं जहाँ रानिया रहती मुझे बोलती है रनवासा रनों का रन का वास और मैं क्या बोलती हूँ जहाँ ये सारी इकट्ठिया रहती मुझे बोलते हैं रनवासा तो हाँ आकार बदली रनवासी में सारे रनवासों में आकार क्या हुआ अपने मचानी बन गया अपने अच्छे नहीं किया रोड बन नहीं है वो तो आपको निकल के हाथ बनाने आया तो अपने हाथ को टुकड़ा दिया रन रन जब से मैंने ये किया कर मेरे खुद मन में अलचल मची पड़ी है मेरे अंदर तुम्हारे तबूर चल रहा है मेरी खुद जमीन कहती मैंने अच्छा नहीं किया वो आपको हाथ बढ़ा निकलता था और आप उसे मंदी बना दे और कठोर शब्दों का प्रयोग करे नहीं अच्छा किया आपने मुझे अच्छा मैं दूसरी रंग आई और नहीं अच्छा किया बिना आपने अच्छे नहीं किया निकलता क्या आदमी बनाने वाले को मंदी बनाया जाए कि छाती चलाया जाए क्या हुआ बाबा क्या हुआ वही हुआ जो होना चाहिए था क्योंकि सत्य का पक्ष भगवान सत्यार्थी का पक्ष बचे सत्यार्थी का पक्ष भगवान जी होते हैं रानी जी मेरे साथ चल मुझे काली ना बोलो कारोबार में कारोबार कहा जहां मैंने उसे बंदी बनाया तो ले गए और फॉर्म खुलवा के कारोबार और रो पड़ा कैसा होगा जब दोनों अलिंगन कर रही है और दोनों के सर पर आंसर दे रही है ऐसी ऐसी घटना याद करके अपने मन को भगवान का प्यारा बना लिया करो उन्होंने श्याम सुंदर के पक्के धर बन गए और बाद में उन्होंने अपने बेटे के लिए मीरा को ले लिया मीरा जाने के लिए इधर ही आइए वहां नहीं जाती नहीं है मीरा वहां नहीं थी आपका जो है राणा आपको पसंद है मीरा का राणा अच्छा
ये वही आदमी जो पति बनाने थे। हाय शाबाश, ये उनका बाप था, उन्हीं के बेटे के साथ बहुत हुआ। ये इसलिए डिक्लेयर किया था कि मेरे लिए हार और जीत बराबर है। मैं समझ चुका हूं जो बात आपस में बात नहीं सुन सकती है वो खून खराबा करने से व्यक्ति में घटती नहीं। और आमतौर पर मन का दरवाजा मेरे शरीर में जरिए बिगड़ जाता है जब दुर्दात्मक बातें चलती है। अब भगवान कह रहे हैं समर्थन योग हम चते, क्या जो आपके ऐसे नेक दिन होते हैं, हाँ मन बना रहकर इसमें रहकर इसमें बुद्धों में रहकर आप इसमें कैसे, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के चरणों में निछावर कर देते, अपने आप को भगवान जी के हवाले कर देते हैं। और वो सर्वोच्च क्या कहती है, मेरे प्रभु हाँ अब जो कुछ भी करोगे उसमें मेरा भला होगा। ये एक हिंदू धर्म में तरीका है अपने आप को हमेशा शांत रखने का, अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। एक शब्द बोलो, अपने आप को भगवान के हवाले कर देना सदा के। एक शब्द क्या है, लेकिन नहीं शरणागति नाम एक शरणम शब्द है, इसी को गीता बड़ा पसंद करती है। शरणागति भगवान की शरण करना, किसी प्रकार की छोटी बड़ी इच्छा न रखना, नेक भी हो अगर इसी जगह में कर जाना चाहिए तो शरणागति गीता जी की पकड़ है। मैं सदैव आपका हूं मेरे मालिक, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मुझे प्रेरणा दीजिए और मैं पूरा करूंगा। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी इच्छा में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी पति के मूर्ख अक्षर में लिख लो, मेरी इच्छा मत करो, मैं क्या जानता हूँ मेरा भला किसने है, मेरी भलाई मेरी जैसे में किसने है, यू बेटर ओम जैसे बार कृष्णा। इसे जीवन सारी इच्छाएं भगवान के चरणों से, अब कुछ भी हो जाए इसके लिए क्या है, हारो जीत हो सर्दी हो गर्मी हो सहयोग हो योग हो जीवन हो मरण हो कुछ भी हो, ये सब चुका देगा हाथ धो देगा। इसे बोलते शरणार्थ जरूरी शाबाश, और ये जी हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसी को गीता जी ने कहा है, जो मुझे देखो मेरे बच्चों, गीता जी ने कहा गया ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा जो मिल जाए लेकर, इसको जो मिल जाए ये मेरा प्रोसेस चल रहा है। ये बड़ी छोटी की अवस्था है, हर परमात्मा करे मैं इन आंखों से हर एक की अवस्था देखो, मेरी कोई इच्छा नहीं जाता, मैं तो आपके हाथ की कर टुकड़ी हूँ। ये भगवान ने ग्यारह ध्यान में पाठ पढ़ाया है, देखिएगा क्या उन्नत भाव हम तो आपकी कर टुकड़ी है भगवान की, जैसे कहना देव हम करते चल जाएंगे, ऐसे व्यक्ति फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आपको दंड नहीं देता मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति कभी नहीं आएंगे, इच्छा के कारण से जन्म लेना पड़ता और हमने सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, कहीं मेरा कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति बस भगवान के साथ में समा जाते, ऐसे व्यक्ति के दंड कुछ नहीं था, कोई बात नहीं उनके लिए क्या, जैसा आ गया मेरे को, या जैसे हालात बन गए, जैसा वातावरण बन गया, जैसा मतलब उनके पीछे वो भगवान के सम्मान को चार चांद लगाए जा रही है, क्या चार चांद जो मिल जाए लेकर वही साध वहां हाथों लापा बन गई दान। फिर भगवान को इस दान कहना पड़ा, वो दंडों के अधीन इस दान के बंद, वो दंडों के अधीन नहीं रहे, वो भगवान के प्रेम के अधीन है, भक्ति के अधीन है। ये रहे वासी, ये भगवान को खुश करने और आवागमन को भी जीत गए। ऐसे का तवासन हमेशा ठीक रहेगा, ऐसे कहीं भी हो उनका तवासन बिगड़ेगा नहीं। तवासन को बिगाड़ती है कामना, मेरे अनुकूल हो जाए कि मेरा मन बना रहे तो फिर मैं अंकुर का क्या धीर हो गया, और जरा बात मेरे मुझे नहीं होगी, जरूर होगी दुर्दात्मक लोग है तो मैं पेट उठूंगा, फिर ये तो बात करो नहीं। ऐसे इंसान को तो वृक्ष के बंधा हुआ डोर कहते हैं, वृक्ष के बंधा हुआ डोर, हाँ जरा सी आवाज चली और टेन इंजन तो बार आवाज चली इंजन वृक्ष में लटका हुआ डोर, आवाज चली लड़की बात वोट वोट होगी बन जाएंगे बकरी बन जाएंगे, लड़की बात उल्टी हो नहीं और नहीं वृक्ष को लटका हुआ जो इंद्र के टेन आके धन बुला देती है। फिर इंसान नहीं ढोल हो गया ढोल, और हमने ढोल भी बनना, हमने बनना है क्या 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 क्या, हमने बनना है पानी से भरा हुआ ढोल जिसमें भगवान की वाणी भरी जाएगी। डोल नहीं डोल है शाबाश, हम डोल बनेंगे। मौके पर देख लो, आहा 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 ऐसे मौके पर याद करो, हमने डोल बनना डोल होना, हम तो वाणी में भरेंगे जो महाराज जी दे रहे हैं, इसी हम दोनों को जीत लेंगे, कैसे भी जीत जाएंगे। हाँ
आपने मुकरिया पढ़ी हिंदी में, मुकरिया किसकी थी, नाम का मुसलमान था, किसका कौन था वो जिसकी मुकरिया है, एंड मौके पर मुकर जाना। नहीं मेरी बेटी, वो तो मुसलमान थे, एंड मौके पर मुकर जाना। उसकी बोलो ये इस मौके पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, दो सखियां बैठी हुई थी। हाँ, एक सखी जो मिली हो चुकी थी, एक सखी अभी कुंवारी थी। अब मैं बेटी जी के दो लेडी फ्रेंड आपस में बैठे और बातचीत चलने लगी। बातों बात में एक ने जरा बात कही, सखी एक बात में से कहो तो मुझे बताएगी, इसलिए बताऊंगी तुम्हें प्यारी है, जो मैं कैसे पर्दा करती हो तुम बहुत सही, तुम्हें तो बताएगी क्या चीज है वो। आने तो शादी हो उसमें बुझा और न कोई नीचे लागे उसके मोल, क्या सखी साजन तो अपने पति की बातें कर रही है। वो आवे तो वृंदा में, वो आवे तो शादी हो उसमें बुझा और ना कोई नीचे लागे उसके मोल, उसने तो क्या सखी साजन नो नहीं मो। अगर ढोल नहीं बजेगा तो शादी कैसे होगी, उसमें ढोल की तरह चलेगा, है तो साधन की बात पर मौके पर मुकर जाएगा। वो आवे की शादी हो उसने दूजा और ना कोई, उसने उसके बिना उसकी मुझे कुछ नहीं आ सकती, नीचे लागे उस वक्त उसके ढोल, क्या सखी साधन नहीं नहीं ढोल, यह तो मुकर जा रहा है टाइम से, क्या ढोल नहीं नहीं ढोल, हमने ढोल नहीं बनना, हम तो ढोल बन के रन भरेगी। हो मेरे मालिक हो मेरे मालिक, ऐसे ऐसे करवा कर हमेशा है, इसी को मेरा देश में बुलाता है, पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। इसी को गीता कहती है, यद इच्छा और संतुष्टा जो मिल रहा है लेकर वही। गीता जी कह रही आपका समय हो गया, घर में जाइए रोटी भी खाइए, कोई मेहमान आएंगे तो कदर कीजिए, और उसके बाद इसी बात को सोचना, क्या मैं अपने आप को दंगे से उठाई जा रही हूँ, क्या मैं भगवान के प्रेम में भर कर दम से ऊपर उठते चले जा रहा हूँ। बंद तो रहेंगे और दो किसी को नहीं बातें, किसी को सर्दी भावे, किसी को गर्मी भावे, किसी को मान अपमान है ना दोनों में, अच्छा मुझे मान भावे तो क्या अपमान को मुझे मान पाएगा, अपमान पर मुझे रोना पड़ेगा। कोई कहता मुझे अपमान भावे को बना जाता है तो मान भी दुनिया करेगी आपका, फिर मानो क्या करोगे, नहीं क्या हो गया जवाब क्या होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे दिन भावे मुझे रात भावे, मुझे दिन भावे ये कोई बात नहीं, क्या मैं दिन भावे को देखो कौन होगा, कोई कहता मुझे रात भावे देखा तो यू है क्या बोलोगे, अगर रात भावे जरूरी हो गए दिन भावे तो कौन हो गए, तो फिर क्या भावे जब जो महाराज जी भेजेंगे ये जवाब है मुझे वही भावे, जो प्रभु जी देंगे मैं सेम आते रहूंगा, मुझे वही भावे जो मालिक भेजते हैं। अब आपका तवाज बना रहे जब इंसान ने पक कई जन्मों के बाद पक्का किया तो जो मालिक देंगे बस मुझे लाखों करोड़ों है उसी में। Now you realize that you won't be able to lose your balance of mind. माइंड सदा सर्वदा मेरे दो शब्द में तो सदा सर्वदा बना रहेगा और ऐसा जी प्रसन्न रहेगा, इसलिए रब कह रहा है चाहे हो कर्म योग चाहे हो भक्ति योग चाहे हो ज्ञान योग जिनके तवाजन का है नाम योग की परिभाषा ये कि अंदर वाला बना रहे, अंदर वाला बना रहे बस। घर में खरीदी आ गई, अब माँ ने बेटे कहा माँ कुछ बेटे कुछ काम कर, बेटे तुम बात तुम बताओ, मैं नौकरी करूँ, मैं कोई कारोबार करूँ, मैं डाका मारू, मैं चोरी करूँ, मैं तुम्हें जारी करूँ, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, हम तो ये चाहते हैं कमा के लिया, तेरे बाप ने कमाया तू पलिया अब तू कमा परिवार कर, मैं क्या मुझे नहीं पता चोरी कर जारी कर डाका मार चोरी कर बिजनेस कर नौकरी कर घर में फल लिया ये क्या हो, तो क्या भगवान ने भगवान से पूछो क्या भगवान ने कर्म करूँ राजा जन की तरह, क्या मैं अपने देवशी नारी की तरह भक्ति दुनिया बनाऊ, क्या मैं सुबह की तरह जान दुनिया बनाऊ, मैं क्या बनू भगवान का कोई जन्म बता कुछ भी बनो कोई भी ले ले, लेकिन मन के तनाव को बना रहे, जैसे माँ ने कहा धन घर में ले आओ, घर में गुर्बत है क्या कुछ भी कर्म करो घर में धन आना चाहिए, अरे कुछ कोई भी जो कमाओ पर मन का तनाव बना रहना चाहिए। जाके सोच रहा जाके विचार कर रहा हूँ मेरी देवियों ये गीता है जो आपको देव पुरुष बना के भगवान जी के चरणों में गिरा देती है, जैसे आप बच्चे को सुंदर सवार के पति के जो पति पकड़िए श्रीमान जी मैं अपने घर के काम करवा चुका हूँ मैंने सुंदर बना दिया, इसी तरह योग हमें भगवान के योग्य बना देता है, योग हमें भगवान के योग्य हमें भगवान के योग्य बना, योग भगवान के योग्य बनाता है, योग भगवान के योग्य बनाता है। अब भगवान जी कहेंगे ये तो आप अपने अपने स्वभाव को देखो कर्मयोग भक्ति योग लगा योग
अर्जुन के तवासन का है नाम हार्दिक हुआ, हार्दिक आशीर्वाद। दिल की हरे धड़कन मुझे आवाज देती जा रही, कृष्ण से मिलन का रास्ता गीता से अपना नेम है, गीता के अपना नेम है, अधि कृष्ण से मिलने का रास्ता गीता के अपना नेम है। दिल की हरे धड़कन मुझे, दिल की हरे धड़कन मुझे आवाज देती जा रही, अधि कृष्ण से मिलने का रास्ता गीता अपना नेम है, कृष्ण से मिलने का रास्ता गीता अपना नेम है। दुनिया के नए खाने में तो दुनिया के नए खान में तो चांदनी है चंद्र, उस पर हमेशा चांदनी, गीता के नए खाने में है, गीता के नए खाने में है, पर हमेशा चांदनी, गीता के नए खाने में है। दुनिया के खान दुनिया के खान मोटो चांदनी है चंद्र, पर हमेशा चांदनी, गीता के मैं खान में गीता के मैं खान में और शुक्र सजा लगी है,
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास दानों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भाग्यवने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।